हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित गुप्ता फ्रॉम जेम माइंस। एक कंफ्यूजन होता है कि जब हम जेम्स लेते हैं तो क्योंकि इट्स ऑल कॉस्मिक एनर्जी, हम सभी एनर्जी हैं और ये भी एक कॉस्मिक एनर्जी है, तो रत्नों में उसका जो प्रभाव होता है उसका एक बहुत बड़ा एक रोल होता है कि जब आप रत्न कोई पहनते हैं तो उसको एनर्जाइज कैसे करें। अब पंडित जी के पास जाते हैं, वो करते हैं नहीं करते ये नहीं पता होता, दूसरा कि वो क्या करते हैं ये नहीं पता होता, और दूसरा पंडित जी आपके लिए क्यों करेंगे, आप वो पैसे लेंगे आपसे, मतलब मुझे वो साइंस आज तक समझ में नहीं आई। एक्चुअली होता क्या है, रत्नों को एनर्जाइज करने का तरीका ये आपका होता है कि आप उसको किस भाव से पहनते हैं। जब भी आप कोई रत्न पहनते हैं तो जब धारण करते समय अगर आपके मन में अहंकार है कि मैं खरीद लाया अब मैं पहन रहा हूँ काइंड, तो वो कभी असर नहीं करेगा। इन रत्नों को पूरा मंत्रों के साथ अगर आप पहनते हैं और धारण करते हैं और अहंकार भाव हटा के अहंकार शून्य भाव रखते हैं, और उस पर भी अगर आपको लगता है कि जैसे ग्रेटिट्यूड के अंदर आप पहनते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपकी कृपा है तो मैं पहन रहा हूँ। जब हम आपको कोई रत्न बेचते हैं तो उसके साथ आपके बिल और सर्टिफिकेट के साथ हम एक आपको पूरी विधि देते हैं कि उसको आप अपने घर में ही एनर्जाइज करते हैं। हम लोग जो एनर्जाइज करते हैं वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जब आप उसको धारण करते हैं, धारण करते समय कैसे एनर्जाइज करना है वो पूरी उस विधि के अंदर लिखा होता है। तो उसको अगर तरीके से अगर आप पहनेंगे, सलीके से पहनेंगे, तो उसका असर भी आपको बिल्कुल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।